पंजाब में 1 अक्टूबर से धान की खरीद को लेकर सरकार ने आदेश दे दिए थे, लेकिन मंडियों में आढ़तियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया गया। इसके बाद बीते दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने आढ़तियों से मीटिंग कर उनकी मांगों को मान लिया। इस तरह मंडियों में हड़ताल खत्म हो गई। वहीं अब मंडियों में धान की खरीद का काम पूरे जोर शोर से शुरू हो गया है। मोगा जिले के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगाल ने जिले के मंडियों का दौरा किया और धर्मकोट में मंडियों में धान की खरीद का काम भी शुरू करवाया। साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया कि मंडियों में किसानों को हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना है। आज असी खरीद शुरू कराई है, मंडी का असी दौरा किया है, वक् वक् जो अरेजमेंट्स है मंडी से पूरे है। किसान वीर भी जो गल की तो वो बड़े खुश है इतों के अरेजमेंट देख के। असी खुद डेरिया चेक किया है, पूरी जो मॉइस्चर कंटेंट है बिल्कुल प्रॉपर आया है। सो आस है कि इस बार सीजन बड़ा वधिया निकलेगा। जिदा कि साड़ी सारे ऑफिशियल्स की तैयारी हैगी है, मेरे पिछे सुन रहे हो कि अनाउंसमेंट्स भी हो रही है, किसान वीरां नूं स्पेशल तौर पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि अपनी जी आमद हैगी 17% तो थले थले लेके आ जाए, गिली झोने ना वढ़िया जाए ताकि फिर मंडी से साढ़े ब्लड होल सिचुएशन हो जाती है क्योंकि सुकन।